सभी को नमस्कार। कैसी है आप? अच्छी है ना? आज यहाँ पर हम दिवाली डेकोरेशन के लिए पीकॉक का दिया स्टैंड बनाएंगे। ये गोल्डन और सिल्वर कलर के ग्लिटर पेपर्स लिए हैं। ये बॉल चेन है, ये डोरी है इस तरह की गोल्डन कलर की, ये पर्पल और गोल्डन कलर की कुंदन ली है। यहाँ पे हमें एक वाइट पेपर पे इस तरह पीकॉक का ड्रॉ करना है और इसको कट करना है। इस तरह से कट करके लेंगे। बी सी की साइज़ का हमें कार्डबोर्ड के ऊपर इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए, इस तरह बना के लेंगे। ये दो बना लेंगे इस तरह के, एक दूसरे के सामने दो बना लेने हैं। ये इस तरह से बना के हमें कट कर लेने हैं। ये देखिए, इस तरह से ये बना लेंगे। ग्लिटर पेपर के ऊपर भी हमें उसी तरह से ड्रॉ करना है। यहाँ पे ये नीचे की साइड में हमें इस तरह राउंड शेप बनाना है। ये देखिए, यहाँ पे ये इस तरह से कट किया है और यहाँ पे ये राउंड शेप में कट किया है। इसको हमें कार्डबोर्ड के ऊपर में स्टिक करना है। अगर आपके पास ये स्टिकर वाला नहीं अवेलेबल है ग्लिटर पेपर, तो आप इसको ग्लू कर सकते हैं। इस तरह से इसको यहाँ स्टिक करना है। ये इस तरह बना लेंगे। यहाँ पे हमें ये डोरी लेनी है और इसको यहाँ जहाँ पे कॉर्नर्स है, देखिए यहाँ पे इस तरह से, देखिए यहाँ पे है, तो इसको यहाँ पे इस तरह से बाहर की साइड में, ये देखिए, इसको प्रेस करेंगे इस तरह से ऐसे। अभी आगे में भी फिर से इस तरह प्रेस कर लेंगे। इसी तरह से हमें सभी जगह पे जहाँ जहाँ पे इसको कॉर्नर आते हैं यहाँ पे प्रेस करके लेना है। थोड़ा इस तरह से हमें सभी में बना लेना है। ऐसे बना लेना है इस तरह भी। यहाँ पे ग्लू लगा के इसको स्टिक करना है। ये मैंने रबर बेस्ड ग्लू लिया है, इससे ये डोरी जल्दी से स्टिक हो जाएगी। देखिए, इस तरह से यहाँ पे स्टिक करते जाना है और जहाँ पे ये कॉर्नर से यहाँ पे इसको थोड़ा अंदर की साइड में प्रेस करते जाएंगे। देखिए, इस तरह से ऐसे इसको हमें स्टिक करना है। देखिए, इस तरह से फिर यहाँ पे ये अंदर की साइड में थोड़ा प्रेस करके लेंगे। इस तरह से ये बनाते जाना है। और ये देखिए, जहाँ पे ये कॉर्नर्स में स्टिक नहीं होता है, ये डोरी जो अगर छोटी होती है तो अंदर नहीं जाती है, तो इसके लिए आपको इसको थोड़ा कोई भी चीज़ से, ये देखिए, इस तरह से अंदर की साइड में स्टिक करना है। ये देखिए, ऐसे इसको प्रेस करना है तो ये अंदर स्टिक हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे इसको लगा लेना है। ये एक्स्ट्रा की डोरी है, इसको कट करना है। ऐसे बन जाएगा। यहाँ पे ये मैंने ड्रॉप शेप थोड़ी बड़ी साइज का कट किया है। इसको यहाँ पर की जगह पे स्टिक करेंगे। देखिए, इस तरह से ये गोल्डन कलर का लिया है मैंने, ये इस तरह यहाँ पे स्टिक करेंगे। अभी यहाँ पे इसकी बॉर्डर में ग्लू लगा के लेंगे और ये देखिए, इस तरह का ये बॉल चेन दिया है, इसको स्टिक करना है इस तरह से। यहाँ पे हमें ये कुंदन दिया है, इसको स्टिक करना है। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे ये पर्ल की स्टिक करेंगे।
और इसके आगे के लाइन में हमें ये गोल्डन कलर की कुंदन स्टिक करनी है। ये देखिए इस तरह से, देखिए ऐसे स्टिक करते जाना है। आगे में फिर से ये पर्पल कलर की कुंदन को स्टिक करते जाना है इस तरह से। इसके ऊपर में यहाँ पे गोल्डन लगाएंगे, देखिए एक गोल्डन और एक पर्पल, इसी तरह से हमें बनाते जाना है। देखिए इसी तरह से ये यहाँ तक बना लेंगे। यहाँ पे मैंने ये बना लिया है इस तरह। भी यहाँ पे ये गोल्डन कलर की कुंदन लेके ये जो पर है, ये गोल्डन लगाया है हमने, इसके ऊपर में स्टिक करेंगे। यहाँ पे मैंने ये स्टिक किया है इस तरह। अभी यहाँ ऊपर की साइड में भी, यहाँ पे जो इसका टियारा है, यहाँ पे भी दो पर्पल कलर की कुंदन को स्टिक करेंगे। यहाँ पे आग के लिए ये राउंड इस तरह की कुंदन स्टिक करेंगे इस तरह से। गोल्डन पेपर का एक ट्रायंगल कट करके लेंगे और इसको यहाँ पे इस तरह से, ये चोंच है, ये पीक है, इसके ऊपर में स्टिक करना है इस तरह से। ऐसे बनेगा ये, इस तरह ये पीकॉक बन गया है, सिंपल तरीके से, ब्यूटीफुल। भी यहाँ पे हमें एक राउंड शेप कट कर लेना है। ये देखिए कोई भी सर्कल से सर्कल कट कर लेना है इस तरह से, कट करेंगे इस तरह बनेगा। यहाँ पे हमें इसके ऊपर, ये देखिए यहाँ थोड़ी जगह छोड़ के एक लाइन इस तरह कट करेंगे, यहाँ पे इसको कट करना है। ये देखिए इस तरह इसको कट करेंगे और इसी तरह के हमें यहाँ पे ये फाइव बना लेने हैं। ये सभी को हमें एक दूसरे के ऊपर स्टिक करते जाना है। देखिए इस तरह से ऐसे इसको स्टिक करना है। ये देखिए इस तरह से इसको बना के लेना है। इस तरह से सभी को स्टिक करके लेंगे, ऐसे बनेगा। इसी की साइज का गोल्डन पेपर कट करके यहाँ पे स्टिक करेंगे इस तरह से, ऐसे बना लेंगे। भी यहाँ पे ये एक सिल्वर पेपर की स्ट्रिप निकाल के इसकी आगे की बॉर्डर है यहाँ पे स्टिक करेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे स्टिक करना है, ये ऐसे बनेगा। भी हमें ये पीकॉक लेना है और ये देखिए ये जो नीचे की साइड है यहाँ पे, ये कार्डबोर्ड है, यहाँ पे ग्लू लगा के लेंगे। और ये जो हमने राउंड शेप बनाया है, इसकी ये जो पट्टी कट की है, यहाँ पे भी ग्लू लगा के दोनों साइड को स्टिक करेंगे। देखिए इस तरह से, ये रबर प्लेस्ड ग्लू है तो ये जल्दी से स्टिक हो जाता है। आप यहाँ पे वाइट ग्लू भी ला सकते हैं। ये मैंने, ये देखिए दूसरा बना लिया है। इस तरह से ये पिकॉक दिया स्टैंड बन गया है, बिल्कुल आसान और खूबसूरत सा पिकॉक दिया स्टैंड। इसको टिलाइट होल्डर की तरह भी यूज कर सकते हैं।
कैसे लग रहा है आपको ये पिकअप दिया स्टैंड?